ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन व एसएल इंजीनियरिंग वर्क्स के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन शहीद वीर नारायण सिंह दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन किया जाना है। इस T20 प्रतियोगिता को लेकर आयोजकों ने प्रेस वार्ता लेकर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह दिव्यांग क्रिकेट T20 का आयोजन आगामी 20 तारीख से किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके 3 मैचेस भिलाई में आयोजित होंगे तो वहीं फाइनल राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस T20 दिव्यांग क्रिकेट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने जानकारी दी। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह दिव्यांग क्रिकेट T20 का आयोजन किया जा रहा है। यह BCCI के कैलेंडर में जो नेशनल खेला जाना है उसके तहत DCCI के द्वारा यह 4 मैच का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 22 साल में ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया है। बहुत सुखद बात है कि यह आयोजन करने के लिए स्टील सिटी भिलाई को चुना गया है, जिसके मैचेस 20, 21, 22 तारीख को भिलाई में होंगे। इसके अलावा इसका फाइनल मैच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रायपुर परसदा में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु यह पूरा कार्यक्रम श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन एवं SL इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा के सहयोग से किया जा रहा है। एक NGO और यदि एक महिला एंटरप्रेन्योर इस तरह का सहयोग हमारे लिए कर सकते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, समाज और समाज के उन सभी वर्गों से कि वह दिव्यांग बच्चों के लिए आगे आएँ। बहुत सारी संस्थाएं हैं यहां पर, बैंक है, सेल है, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस तरह का सहयोग वह सामाजिक कार्यों के लिए करें। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन और ASL इंजीनियरिंग वर्क्स के आए हुए सारी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जैसे सबसे पहले कि 40 साल से जो अजीत वाडेकर सर का जो सपना था 1987 में उन्होंने ये बॉडी फाउंड की थी ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने किया कि जैसे हमारे एबल बच्चे हैं जो पुरुष टीम है, महिला टीम को भी अभी मान्यता मिल गई, तो इन फिजिकली चैलेंज खिलाड़ियों को भी मान्यता मिले, उन्होंने ये बॉडी चालू की। और ये 40 साल के बाद ये सपना पूरा हो पाया कि जैसा साहब ने देखा कि इनको भी मान्यता मिलनी चाहिए और लोधा कमेटी से सर्टिफाई होके 2020 में एक DCCI बॉडी बनाई गई, डिफरेंटली क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, और उनके जनरल सेक्रेटरी रवि चौहान सर हैं। उन्होंने यहाँ देखा कि छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर हमने एक स्टेट टूर्नामेंट कराया था, जिस लेवल में 4 स्टेट वहाँ पार्टिसिपेट किया था, UP, छत्तीसगढ़, विदर्भा और MP, 4 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन को हमको डिजर्विंग समझा कि इतना बड़ा नेशनल टूर्नामेंट यहाँ कराने का, हमको एक होस्टिंग लेटर प्रोवाइड कराया कि ऐसे टूर्नामेंट यहाँ होने चाहिए। और वो अभी 5 दिन पहले यहाँ आए भी थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन से और CSCS में लेटर भी दिया कि जल्द से जल्द जैसे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में मान्यता मिल चुकी है छत्तीसगढ़ स्टेट प्रशासन से, यहाँ भी छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिले। इसलिए हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि इस आयोजन को अच्छे से अच्छा किया जाए। जितना विशाल मास में ये आयोजन होगा उतने अच्छे से हम हमारे चीफ गेस्ट और हमारे जो मुख्यमंत्री सर हैं उनको ये टूर्नामेंट का आयोजन दिखा सकें और ये दिव्यांगों की प्रतिभा को दिखा सकें। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन व SL इंजीनियरिंग वर्क्स के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन होना है। चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।